हे गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स अप। तो अभी ब्रेकफास्ट किया है, फटाफट प्रोग्राम बना है रबात जाने का, तो क्रू वेटिंग डाउन, तो फटाफट चलते हैं रबात और कुछ बातचीत करते हैं। गाइस अभी हम ट्रेन स्टेशन पे आए हैं, एक टैक्सी में तीन ही जा सकते हैं, तो हम चार जने थे, दो टैक्सियाँ की। अब हम अपने पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे हैं वो। ये पीछे इधर ट्रेन स्टेशन है, तो अभी ढूंढते हैं। हम तो एक टैक्सी में आए और एक लड़का और एक लड़की दूसरी टैक्सी में आए, तो अब उनको ढूंढना पड़ेगा, हमें कुछ ही नहीं पता कहाँ पे है कहाँ है। तो गाइस फाइनली सारे मिल गए हैं, तो अंदर जाते हैं, टिकट लेते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है पता नहीं है। माफ़ी, गाइस टिकट तो ले लिया, अब देखते हैं कहाँ जाना है, प्लेटफॉर्म किधर है कुछ नहीं पता है। देर कुछ पता नहीं है किसी को क्या करना है। ट्रेन स्टेशन ऑफ कैसाब्लांका, फर्स्ट क्लास जाएंगे, फुल सीट पे जाएंगे, फुल मजे करेंगे। इन बहरीन ऑल्सो सेम, नो And now it's like this, in Bahrain you will reach from north to south, half an hour. So guys, ये ग्रीन देख के अपना इंडिया की याद आ गई। ट्रेन में जा रहे हैं दिल्ली से कानपुर, ओए सारी फार्मिंग लैंड आ रही है, खेत खलिहान बढ़िया, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो अभी दो स्टेशन हो चुके हैं, एक स्टेशन और आएगा, उसके बाद फोर्थ स्टेशन हमारा रबात का स्टेशन है, तो देखते हैं क्या करना है। बाकी गूगल बाबा जिंदाबाद, म्यूज़ियम है और फोर्ट्स हैं पुराने, देखते हैं। सबसे पहले पियेंगे कॉफ़ी, नींद आ रही है बहुत, तो सुबह एक कॉफ़ी शॉट मारा लेकिन मज़ा नहीं आया, नींद अभी भी आ रही है। सो गाइस वेलकम टू रबात, वी आर इन रबात सिटी नाउ, सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर समथिंग नाइस, बट द फर्स्ट थिंग वी विल डू कॉफ़ी। तो गाइस फीलिंग आ रही है ना इंडिया की, ट्रेन स्टेशन उतर के बाहर जाना चलना। तो गाइस बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है रबात सिटी में, कोशिश करते हैं कोई अच्छी जगह घूमें, क्योंकि जब आप ग्रुप में होते हैं तो फिर फ्लो के साथ चलना पड़ता है, और मुझे तो वैसे ही म्यूज़ियम और ये फोर्ट किले ये सब पसंद ही नहीं है, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कवर करूँ नेचर को या कुछ कंट्री साइड और ये सब। तो आज मौसम भी अच्छा है, तो देखते हैं कि क्या करना है, कुछ ऐसा प्लान नहीं है, मैं फ्लो के साथ चलूँ क्योंकि मैं सब क्रू के साथ आया हूँ। वैसे तो कोई प्लान नहीं बन रहा था आज, आज होने वाला था लुल प्रोग्राम लेकिन बन गया अचानक। कैसाब्लांका में तो सारी लाल टैक्सी है, यहाँ पे ब्लू टैक्सी है। वैसे तो एक यहाँ सिटी भी है तंजीर, जो ब्लू सिटी कहते हैं, तो आज मैंने भी ब्लू जैकेट पहनी तो ब्लू टैक्सी में जाएंगे, लेकिन आज ओल्गा जो क्रू है वो प्लान करेगी। हमने कहा तू हमारी टूर प्लानर है, तो कहती पहले तो कॉफ़ी पियेंगे फिर गूगल बाबा को ढूंढेंगे, जो जगह पास में है उसको विज़िट करते हुए घूमते हुए निकलते जाएंगे। तो पहले तो रास्ता ढूँढे बाहर जाने का। Hey Starbucks, we find the Starbucks. Let's go. Everybody clicking picture of Starbucks. Welcome yes. to Morocco. Yes, good. So we are expecting some nice coffee, huh? Nice coffee, yes. Of course. Thank you. हम बात कर रहे हैं कि इसका कप सफेद क्यों है और मेरा कप ब्लैक क्यों है? So this is limited edition? Milan, look. It's, you know, in Milan, have you been in the first shop? Uh-huh. Starbucks, they also have this star and... Starbucks Reserve. Yeah. This is normal Starbucks, this Starbucks Reserve. कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कैफीन चाहिए, कैफीन अंदर जानी चाहिए, ताकि जो एक घंटा ट्रेन में बैठ के ऐसे सुस्ती सी आई है वो दूर हो जाए। तो बाहर बैठते हैं और फिर आगे का प्लान बनाते हैं।
फिर गाइस ये फाइट कर रहे हैं टैक्सी वाले, मेरे पास आ जाओ। जो मैंने बताया था आपको वीडियो में कि लड़ते रहते हैं, ये देखो मतलब एक पैसेंजर के लिए मारकाट मचा दें ये, एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे मार दें। गाइस एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आज मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस छूट गई है, थोड़ा गैप आ गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। बार बार चलो चलो चलो, फटाफट, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, थोड़ा आएगा फ्लो, आएगा, चल पड़ा है तो धीरे धीरे फ्लो भी आ जाएगा वापस। तो आज का जो टूर होने वाला है, वॉकिंग टूर होएगा। मोहम्मद विल गो वॉकिंग एवरीवेयर और बाय टैक्सी, बैक वे बैक टैक्सी। ओके, सो टुडेज टूर बाय वॉकिंग एंड देन द वे बैक टैक्सी। तो हमारे टूर गाइड्स बहन जी कह रही हैं 26 मिनट की वॉक है, ज़्यादा नहीं है, इससे अच्छा तो बस में चलते हैं, कहीं टैक्सी कर लेते हैं। 26 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, कुछ बोल भी नहीं सकते अब तो फिर वही बोलना पड़ेगा, चलो फिर क्या करेंगे। अच्छा है, नाइस क्लीन स्ट्रीट्स, साफ सफाई तो बढ़िया लग रही है अभी। गाइस देख के तो ये लग रहा है ओल्ड सिटीज जैसे होती है ना, मतलब पुराने शहर, ज़्यादा कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है बस, लेकिन स्ट्रीट्स अच्छी बनाई हैं, क्लीन है, लाइक ओल्ड अरबिक कल्चर टाइप स्ट्रीट्स, यू नो वैसा मामला है इधर तो। गाइस ये किंग का पैलेस है, बहुत सिक्योरिटी है। तो गाइस वहाँ तो वीडियो बनाने से मना कर दिया था, अब घूम फिर के आगे कह रहे आगे जाके फ़ोटो खींचो वीडियो बना लो, क्योंकि वो लगता है किंग की एंट्रेंस थी, जो पैलेस की एंट्रेंस, तो काफ़ी सिक्योरिटी भी थी। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, यूनिवर्सिटी है इससे रिलेटेड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था और कुछ भी नहीं है। बहुत ही अलग तरीके के पेड़ हैं, क्या पैलेस विजिट है, फ़ोटो तो खींच नहीं सकते, वीडियो तो बना नहीं सकते पैलेस का, देर इज़ नो वीडियो नथिंग, इज लाफिंग। तो आगे देखते हैं, ये गेट है, इसका वीडियो बनाते हैं। आई थिंक सो हेयर वी कैन टेक वीडियो दिस गेट। माना इनकी भी हिस्ट्री है, लेकिन कभी इंडिया आओ, ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े किले दिखाएंगे तुमको। राजस्थान बड़ा भरा पड़ा है इन सब चीज़ों से, यहाँ पे एक दीवार को लेके खुश होते रहते हैं ये। अच्छा दिस इज द वॉल, हाँ बस। तो ये एंट्रेंस है पैलेस की, देखते हैं वीडियो बना सकते हैं कि नहीं। सो गाइस पैलेस की मेन एंट्रेंस है ये, लंबा चल के वो पैलेस आके, पता नहीं यार वो दूसरी एंट्रेंस है, पैलेस तो नहीं है, एक बीच में सड़क है। अभी आगे कह रहे हैं म्यूज़ियम जाना है, तो म्यूज़ियम चलते हैं, देखते हैं म्यूज़ियम में क्या है। ऐसा लग रहा अभी स्कूल की छुट्टी हुई है, काफ़ी क्राउड आ गया बच्चों का। वन मोर अमेजिंग ट्री, ये ऐसा ही है या इसको अच्छे से ट्रिम कर रखा है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये एक और मॉस्क है पैलेस के साथ में। पेड़ की बनावट बहुत बढ़िया। सो आई एम डन फ्रॉम हेयर, मोहम्मद वेंट इनसाइड, उसको कुछ पिक्चर्स लेनी है, तो अब हम उसकी वेट करते हैं, फिर आगे म्यूज़ियम जाएंगे। बहुत तकड़ा और अच्छा म्यूज़ियम होने वाला है ये गाइस, तो बने रहिए साथ में और देखते रहिए। मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बस की नहीं है चीज़ें, म्यूज़ियम और पैलेस, लेकिन फिर भी हम घूमेंगे। अब हम एंट्री करने लगे हैं म्यूजियम में, पूछते हैं कैमरा अलाउड है कि नहीं। बड़ी बसूड़ी है ये, क्या यूट्यूबिंग करेंगे हैं?
तो गाइस अभी विजिट करेंगे हिस्टोरिकल म्यूज़ियम। तो अभी हम मॉडर्न आर्ट म्यूज़ियम में थे, तो वही टिकट यहाँ पे भी चलेगी। तो गाइस ज़रा बात की गलियों में घूमते हुए कोई अच्छा मोरक्कन रेस्टोरेंट देख रहे हैं कि कुछ खाना खाते हैं। एक फ़ायदा होता है जो अरब दोस्त साथ में है कि कोई फुद्दू नहीं बनाता, मतलब ये लोग बात कर लेते हैं, नहीं तो यहाँ तो फॉरेनर्स को पकड़ लें और मतलब कोई कर क्या लेगा। लेकिन बात वही है कि थोड़ी चीटिंग करते हैं, प्राइस हाई बताते हैं। हाँ बोल क्या, तो गाइस अभी रेस्टोरेंट्स को लेके भी सहमति नहीं बैठेगी, किसी को कुछ खाना है किसी को कुछ खाना है, तो ढूंढते जाओ बढ़िया से ढूंढते जाओ। Ladies, I hope it's a nice restaurant. I don't know. Otherwise, I'll eat shawarma. Sometimes Google make you confuse. तो रेस्टोरेंट क्लोज है जो गूगल में चल चल के हम देख के आए, अब कुछ और करना पड़ेगा। तो लड़कियां हैं, मन्ने को तो भूख लगी है, अभी क्या करेंगे। तो गाइस आज खाएंगे टर्किश कबाब, तो कुछ सहमति तो बनती नहीं है किसी की, तो जो मिल रहा है वो खाते हैं, फिर चलते हैं ओल्ड सूक की तरफ, या इधर ओल्ड सूक है वहाँ से घूम के फिर उसके बाद दोबारा वापस कैसा ब्लैंक। सो गाइस आप मोरक्को में कहीं भी जाएं कैसा ब्लंका रबात ऑरेंजेस बहुत दिखेंगे, यहाँ का ऑरेंज बहुत फेमस है, एक जूस का अलग ही स्वाद है। मैंने जहाँ जहाँ भी ऑरेंज जूस पिया लेकिन यहाँ का ऑरेंज जूस एक अलग ही है। तो लोग भी कहते हैं कि मोरक्को आओ और ऑरेंज जूस ना पियो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ऑरेंजेस मिलते हैं, देखो सड़क पे भी ऑरेंजेस के ट्री है, तो बढ़िया है। अब खाना हो गया है तो अब हम चलेंगे ओल्ड सूक की तरफ, लेकिन पता नहीं और आगे लड़कियाँ क्या प्रोग्राम बनाती हैं, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ भी चल रहे हैं बढ़िया। तो बस अभी फ़ोटो सेशन चालू हो गया इनका, तो पहले कह रहे थे कि ओल्ड सूक जाना है, अब कोई हसन 4 या 5 क्या है पता नहीं, मॉस्क है क्या है, तो वहाँ जाना है। तो अपन तो चलते जा रहे हैं फ्लो के साथ, बढ़िया तरीके से अच्छे गुड बॉय बनके। तो अभी खाने में भी यही हुआ, ये करो वो करो, ये मंगाओ वो मंगाओ, ये वो, तो चलो जो है सब बढ़िया है। हसन टावर भी विज़िट हो गया, तो ठंड बहुत हो रही है, तो यहाँ से तो निकलते हैं, ओपन स्पेस है, और एक ओल्ड सूक घूमते हैं। आई थिंक सो वापस कैसाब्लांका पहुँचते रात हो ही जाएगी, तो चलो। गाइस ठंड बहुत बढ़ गई है शाम के टाइम, सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है, मैं तो इनको बोल रहा हूँ जल्दी करो, लेकिन सब आराम से, आज हमारा वॉकिंग टूर है ना, कम से कम इस समय
15,000 स्टेप्स हो चुके हैं, तो अभी और कितने होंगे पता नहीं। रात को फिर कोई टांगे दबाने वाला मिल जाए आज। जोक्स अपार्ट, तो राइट नाउ अभी हम ओल्ड सूप में हैं। ये बस जो हम मासी साइड पे थे उसके साथ में ही ऐसे बनाया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा घूमते हैं। ये लोग तो बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं, जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं। वैसे भी यूरोप और रशिया में ये सब तो होता ही नहीं, हम लोगों ने तो बहुत देखा है। हम लोग अपने ट्रेडिशनल मार्केट या राजस्थान या कहीं ऐसे जगह जाते हैं तो हमें तो बहुत कुछ दिखता है, तो हमारे लिए तो कोई ख़ास जगह नहीं है, सिर्फ एक कंटेंट है जो कि मैं कवर कर रहा हूँ। दिस इज द लोकल ब्रेड, هذا مروكن بريد، هذاك بري مغربي، هذاك برسا، وهذا مدريد، مدريد سيبو تو برسا سيبو مدريد توجور مدريد. ايوه جود جود، شكرا ديما. गाइस अब ये पीछे पड़ गए हैं बीन बैग के, बीन बैग खरीदेंगे। नाइस कलेक्शन ऑफ बीन बैग्स। तो गाइस मैं तो एक जगह बैठ गया हूँ, बहुत हो गया, ये तो एक एक दुकान पे रुक रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन सबका अपना अपना नेचर, सबका अपना अपना रूटीन, अपना अपना स्टाइल है। तो बस मेरी हो गई है बैटरी खलास, तो बस ये लास्ट सूक है। अभी मैं एक मराकेश का वीडियो भी डालूंगा, तो मराकेश ओल्ड सूक विज़िट किया था, तो वो भी कंटिन्यूशन में डालूंगा। लास्ट टाइम विज़िट किया था, तो आप इसको भी देखिए, उसको भी देखिए, कंपेयर कीजिएगा। तो इसमें ज़्यादा मैं कवर नहीं मार रहा हूँ क्योंकि वो सेम ही है, तो वो मराकेश कोई भी मार्केट बिल्कुल ऐसे ही है, ओल्ड सूक। तो अभी मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये फ्री हो जाए तो फिर होटल चलें, बस अब थक गए हैं, कमर की लग गई है वाट। देखते हैं क्या होता है, अभी देखते क्या करते हैं लोग। तो अभी टैक्सी में बैठ गए हैं, ट्रेन स्टेशन की तरफ चलते हैं। टैक्सी का रूल है जैसे पहले बताया था, चार नहीं बैठ सकते, दो बैठ सकते, तीन बैठ सकते हैं, तो हम चार हैं, तो फिर हम दो में दो बाई दो करके बैठे। तो अभी चलते हैं ट्रेन स्टेशन और फिर सीधा जाएंगे कैसाब्लांका होटल। तो गाइस हम अलग अलग टैक्सी में आए हैं, ये दोनों अब पता नहीं एक दो क्या था, दो तरफ है, मैकडोनल्ड साइड या कैसा साइड। तो गाइस वी आर ऑन टर्मिनल 3, तो हम अलग अलग उतर गए थे, हम स्टारबक्स साइड, ये मैकडोनल्ड साइड, फिर एक जगह मिले, अब टिकट ले ली है काजा पोर्ट की। तो यहाँ पे ट्रेन का ट्रैक है नंबर 3 पे, इधर नंबर 2 पे कोई ट्रैक ही उखाड़ के ले गया, तो नंबर 2 पे सिर्फ बस चलती है, ट्रेन नहीं चलती। तो अभी लगता है यहाँ पे बन रहा है ट्रैक, तो अभी ट्रैक लगा नहीं है, सिर्फ जगह है उसकी। सो गाइस फाइनली वी आर सिटिंग इन द ट्रेन गोइंग बैक, तो अब 9 बजे तक पहुँचेंगे होटल। तो देखते हैं, कुछ और प्रोग्राम भी बन रहा था डिनर बार करने का, अब वो दूसरा फ्रेंड वेट कर रहा है कि बाहर चलेंगे, अभी तो हाँ बोल दिया लेकिन हिम्मत नहीं है, तो अभी चलते हैं होटल। गाइस अभी आए हैं सेकंड क्लास में, जब हम गए थे तो हम फर्स्ट क्लास में गए थे, क्योंकि कई क्रू के पास पैसे ख़त्म हो गए शॉपिंग कर करके। आपको आई होप अच्छा लगेगा ये वीडियो, सो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सी यू, मिलते हैं जल्दी।